पंजाब में जो परिणाम है उसको किसान आंदोलन से जोड़ना उचित नहीं होगा। अकाली दल के साथ हमारा समझौता था, इस बार वो भी अलग लड़े हम भी अलग लड़े, इसका नुकसान हमें हुआ। आसाम राज्य के जो हमारे नेता हैं, सरकार में पदाधिकारी हैं, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व, उनकी कथनी और करनी में एक रूपता के परिणाम स्वरूप आज एंटी इनकम्बेंसी के बजाय प्रो इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। यह मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार की तैयारियां हमारे विजय पांडा जी, रंजीता और दिलीप भाई इनके नेतृत्व में और इनके सूझबूझ में चल रही हैं, उसके आधार पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने में सफल होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और ये पंजाब में जो नगर निकाय का जो चुनाव हुआ है तो उसमें बीजेपी जो है बुरी तरह से हारी है, तो उसमें माना जा रहा है कि किसान की नाराजगी की वजह से बीजेपी का वहाँ पे हार हुई है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे भी विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा, किसान की नाराजगी का प्रभाव देखा जा सकता है? पंजाब में जो परिणाम है उसको किसान आंदोलन से जोड़ना उचित नहीं होगा। पंजाब में हम कमजोरी थे, अकाली दल के साथ हमारा समझौता था, इस बार वो भी अलग लड़े हम भी अलग लड़े, इसका नुकसान हमें हुआ। और जहाँ तक किसान आंदोलन का सवाल है, मैं लगातार किसान यूनियन के साथ चर्चा में रहा हूँ। भारत सरकार आज भी इस मत की है कि वो कृषि कानूनों पर क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा करें, अगर कोई भी क्लॉज किसान के प्रतिकूल है तो सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है।